subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन का आज जन्मदिन है और आज वो 46 ईयर्स की हो चुकी है। आपको बता दिया जाए तो आज के दिन कई सारे मीडिया हाउस में रवीना से जुड़े कई सारे किस्से वायरल हो रहे हैं, तो वहीं कोई ना कोई मीडिया हाउस उनके किस्सों से जुड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा आज हम भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। पल आपको बता दिया जाए तो रवीना की एक मूवी के दौरान गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल रवीना को स्केटिंग करनी नहीं आती और उनके उस गाने में उन्हें स्केटिंग करनी थी, जहां हर शॉट में ज़्यादातर गिर जाती थी रवीना टंडन और इसी गाने में अपनी पीठ के बल भी गिरी थी रवीना, जिस वजह से उनके सर में चोट लग गई थी और इसी के बाद वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए थे और उनके मुंह पर पानी डाल रहे थे और उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद जब वो होश में आई तो सलमान उन्हें आवाज़ लगा रहे थे, तो वहीं सभी लोग यानी कि क्रू मेंबर उनके मुंह में देख रहे थे और ये देखकर रवीना काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी और रोने लगी थी। जिसके बाद सलमान बच्चों की तरह उन्हें बहलाते हुए नजर आए और यूँ कहा कि तुमने चीटी को मार दिया, और इसी बात को सुनते हुए रवीना जोर जोर से हंसने लगी। वेल, इस किस्से पर आपका क्या कहना है कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।